नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं शुभ जन्मदिन स्पेशल दिनांक 6 सितंबर को पैदा हुए लोगों का पूरे साल का हाल। पहले आपको बहुत बहुत बधाई, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, जीवन में आगे बढ़ें, यही हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए भी हमारी तरफ से, आपके एस्ट्रो फ्रेंड की तरफ से, आपके इस एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी परिवार की तरफ से, नक्षत्र 27 परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। पूरा साल आपका बेहतरीन बीते, पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रहें, इसके लिए हम एक बहुत अच्छा सा प्रयोग बताएंगे कार्यक्रम के ही दौरान। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज पैदा हुए लोगों की शिक्षा किस प्रकार से रहेगी, पढ़ाई कैसी चलेगी। अगर आप दिनांक 6 सितंबर को जन्म पाए हैं तो अक्टूबर नवंबर में स्वास्थ्य की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, हो सकता है कि पढ़ाई आपकी रुक जाए अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर जनवरी बहुत अच्छा जाएगा, दिसंबर जनवरी में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, मित्रों का साथ रहेगा, बाहर जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। फरवरी और मार्च में पुनः एक बार व्यक्तिगत मामलों की वजह से पढ़ाई प्रभावित होगी, अप्रैल महीना बीमार पड़ेंगे, रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव आएगा बोर्ड एग्जाम देने वाली लड़कियों के लिए, खासतौर पर लड़कों का भी कुछ प्रभावित होगा। जुलाई अगस्त ठीक जाएगा, इधर भी जो एग्जाम देंगे वो आप निकाल ले जाएंगे। व्यापार बिजनेस का मामला बम बम रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, व्यापारिक घाटे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, व्यापार में प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस फैलेगा, एक्सटेंड करेगा, बाहर जाकर के भी व्यापार कर सकते हैं, विदेश से भी बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। बिजनेस के मामले में सबसे बेस्ट समय जो रहेगा वो अगस्त रहेगा 2020 का, उससे पहले के समय में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियां बिजनेस में गड़बड़ होंगी चीटिंग की वजह से दिसंबर और मार्च के बीच, पार्टनरशिप प्रभावित होगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस अक्टूबर लास्ट में है, फिर दिसंबर में है, मई मिड में भी प्रमोट हो जाएंगे आप। बॉस के साथ तालमेल नवंबर लास्ट में कम पड़ेगा, मतलब दिक्कत आ सकती है, इस पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जनवरी और फरवरी ये दो महीना तो समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए विषदायक महीना है, नौकरी हाथ से जा सकती है, नई नौकरी के प्रयास अप्रैल मई में करना भारी पड़ेगा, हो सकता है कि नई नौकरी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, जहां जाएं वहां पर और ज्यादा टफ माहौल। महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर में स्विचिंग के लिए प्लान नहीं करना चाहिए अगर आप दिनांक 6 सितंबर को पैदा हुई है। विदेश जाकर के नौकरी करने के अवसर मई में और जून में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर मामला जबरदस्त है, आपके पक्ष में है, उछाल में है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को बहुत बड़ा फायदा होगा। यही आपके लिए सबसे सकारात्मक होगा, ये आपके लिए हर लिहाज से बहुत सेंसिबल रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप दिनांक 6 सितंबर को जन्म पाए हैं तो दांपत्य जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां इस वर्ष आपको झेलनी पड़ेंगी, खास तौर पर जो 5 वर्ष के अंदर में भी ब्याह किए हैं, शादी किए हैं, पति पत्नी का तालमेल बिल्कुल गड़बड़ होगा,
लड़की की तरफ से उसकी माँ और बहनें, लड़के की तरफ से उसकी माँ और बहनें, ये आपके मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे। एक बात सदा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्तिगत मसले पर अगर किसी बाहरी का राय मशवरा चलता है तो ये सबसे ज्यादा बुरा होता है। आपके दर्द को न आपके पिता झेल पाएंगे, न आपकी मां झेलेंगी, न आपकी बहन, न आपका भाई, आपके हिस्से का दर्द आप ही झेलेंगे। कोई अबोध हो जिसको जिसकी बुद्धि ना हो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन बाकी किसी के लिए ये मेरी समझ से परे है, ये एकदम से परे है। इस चीज को आप बिल्कुल सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। दिनांक 6 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, शादी की बात फाइनल हो सकती है, रिश्ता मधुर रहेगा, एक दूसरे का साथ बना रहेगा, परिस्थितियां बिल्कुल पक्ष में रहेंगी, चिंता कदापि न करें। दिनांक 6 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए स्वास्थ्य में आंख और पेट की दिक्कत ज्यादा परेशान करेगी, बाकी चीजें हर प्रकार से सकारात्मक हैं। लाभ के अवसर नए नए बनेंगे जिसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिएगा। उपाय क्या करना है, आइए अब हम उपाय आपको बता देते हैं। 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से किसी पब्लिक प्लेस पे लगा दें, बच्चा छोटा हो तो उसके माता पिता उसकी जगह कर सकते हैं, और 3 बच्चों की शिक्षा में मदद करिएगा। जिसकी आज शादी की सालगिरह है, केले का पौधा पति पत्नी मिलकर कहीं लगाए, बस इतना सा उपाय करना है। 11 बजे देखिएगा दूरवा की विशेष गुण पर आधारित कार्यक्रम ज्योतिष जराहट के। फिलहाल के लिए आज इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा, प्रसन्न रहें। और 22 से 28 तारीख को आप हमसे गया जी में पिंडदान के निमित्त, पितरों की शांति के निमित्त मिल सकते हैं, थोड़ा सा आनंद लेने के लिए आइएगा। नमस्कार, जय श्री राधे, श्री कृष्ण।